इस वीडियो में हम जानेंगे पादहस्तासन को करने का सही तरीका, उसके लाभ और सावधानियां। तो शुरू करते हैं। सम स्थिति में खड़े हो जाएं, फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे। अब श्वास खाली करते हुए हिप्स के भाग से धीरे धीरे आगे झुकेंगे। श्वास खाली करते जाएं, आगे झुकते जाएं। गर्दन को पहले सीधा ही रखेंगे, फिर धीरे धीरे गर्दन को घुटनों पर लगाएंगे। कुछ देर इस आसन में होल्ड करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे श्वास भरते हुए जैसे आसन में गए वैसे ही वापस आना है। अब श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएंगे। अब जानते हैं इस आसन को करने के लाभ। इस आसन को करने से पेट में गैस भरना, आफरा आना, नाभि टलना, ये ठीक होता है। इसके अलावा जो पेट पे चर्बी बढ़ी हुई है, इसको ये कम करने में सहायक है। ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सिर की तरफ होने से बालों को झड़ने की जो समस्या है उसको ये ठीक करता है। चेहरे पे रौनक बढ़ती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है। और पश्चिमोत्तानासन को करने से जो लाभ होते हैं वो भी इस आसन को करने से मिलते हैं। इसके अलावा पैरों की मांसपेशियाँ व पीठ की मांसपेशियाँ हैं, उनमें स्ट्रेच आता है। अब जानते हैं सावधानियाँ। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कमर दर्द रहता है, या फिर जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, या फिर चक्कर आते हैं, वो इस आसन को सावधानीपूर्वक किसी योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही करें। धन्यवाद।